जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुजी स्टडी में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए टॉप टेन मोस्ट इंपोर्टेंट जीके के क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं जो कि हर एक एग्जाम में बार बार लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं तो अगर इन दस प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न का आपको आंसर पहले से पता होगा तो आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर लिखना है और फ्रेंड्स अगर इनमें से आपको दो का भी आंसर पहले से पता होगा तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी की नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल टाइम पे पहुंचती रहे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा आईन ए अकबरी के लेखक कौन है ऑप्शन नंबर है हाफी खान ऑप्शन नंबर बी है अबुल फजल ऑप्शन नंबर सी है अकबर और ऑप्शन नंबर डी है भीमसेन तो इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अबुल फजल अगला क्वेश्चन है दोस्तों गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली ऑप्शन नंबर बी है केरल ऑप्शन नंबर सी है कर्नाटक और ऑप्शन नंबर डी है महाराष्ट्र तो इसका उत्तर जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में दे देना है वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना है तो इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री ऑप्शन नंबर बी है उपराष्ट्रपति ऑप्शन नंबर सी है लोकसभा अध्यक्ष और ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रपति तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना है फ्रेंड्स और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना है तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति अगला क्वेश्चन है दोस्तों मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है तराइन की लड़ाई ऑप्शन नंबर बी है खानवा की लड़ाई और ऑप्शन नंबर सी है प्लासी की लड़ाई और ऑप्शन नंबर डी है बक्सर की लड़ाई चलिए इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना है आपको जो भी आंसर पता हो उसको एक बार कमेंट करके जरूर बताना है भले ही आप गलत बताएं तो इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए तराइन की लड़ाई अगला क्वेश्चन है दोस्तों जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं ऑप्शन नंबर ए है तीस ऑप्शन नंबर बी है पैंतीस ऑप्शन नंबर सी है, 35, और ऑप्शन नंबर डी है, 23, इसका आंसर आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है तो इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी तैतीस जीएसटी परिषद में कुल तैतीस सदस्य हैं. अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों सूरज कुंड झील किस राज्य में स्थित है ऑप्शन नंबर ए है हमारा हरियाणा ऑप्शन नंबर बी है हमारा पंजाब ऑप्शन नंबर सी है हमारा बिहार और ऑप्शन नंबर डी है हमारा दिल्ली तो इसका आंसर बता दीजिए फटाक से अगर किसी को भी इसका आंसर पता है तो फ्रेंड्स और फिर इस वीडियो को लाइक कर देना है अपने दोस्तों में भी शेयर करना है और किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर बताना है एक बार कमेंट बॉक्स में ताकि हमें भी पता चल सके कि जो आपने आंसर बताया है वो सही है या गलत है और रेगुलर वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर वीडियोज़ इसी तरह के मोस्ट इंपोर्टेंट जीके की मिलती रहे तो इसका उत्तर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हरियाणा अगला क्वेश्चन है दोस्तों द दो साइलेंट क्राई के लेखक लेखिका कौन है लेखक या लेखिका कौन है द साइलेंट क्राई के तो ऑप्शन नंबर ए है मुराकामी ऑप्शन नंबर नंबर बी है ओए ऑप्शन सी है जॉन मिल्टन और ऑप्शन नंबर डी है रस्किन बॉन्ड तो इसका उत्तर जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कैजा बुरो ओए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे

ऑप्शन नंबर डी है सुजेम कलिंग तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए स्टीफेन हॉकिंग अगला क्वेश्चन है दोस्तों शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन अख्तियार काकी का दरगाह कहाँ स्थित है ऑप्शन नंबर ए है अजमेर ऑप्शन नंबर बी है अजीधन ऑप्शन नंबर सी है आगरा और ऑप्शन नंबर डी है दिल्ली तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए तो इसका उत्तर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दिल्ली अगला क्वेश्चन है दोस्तों जिसका कि आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी

पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है जैसे कि आप कोई भी बुक खरीदने जाते हैं दो तीन सौ लगता है आपका तो फ्रेंड्स उसी तरह से फ्रेंड्स हम आपका सारा पैसा बचाने के लिए उस सारे बुक को पीडीएफ में बदल दिए हैं बुक को पीडीएफ में बदल दिए हैं जिसको कि आप लेंगे तो आप अपने फोन में भी पढ़ सकते हैं कोई भी पेज मिसिंग नहीं होगा उसका सारा पेज रहेगा बुक का आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं तो वहां से आप जाके ले सकते हैं पीडीएफ को आप जाके एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा कि आपको उनमें से कौन सा बुक पसंद है और किसको आप ले रहे हैं महंगा से महंगा बुक आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा तो इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में थैंक यू फ्रेंड्स